बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसके सैयद दानिशुल्ला सखाफ, ओनर सन ऑफ ओनर इसके बीड़ी। आज चन्नपटना में सैयदवाड़ी मोहल्ले में आरिफ शाह कादरी का उर्स मनाया गया था, कवाली थी आज, बहुत ही अमन से और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रोग्राम हुआ है और इंशाल्लाह अगले साल और भी ज़ोर से होगा। ये 130वां संदल बनाया गया था, पुलिस ने भी हमको बहुत साथ दिया इंशाल्लाह। का माहौल है यहाँ पर, एक ईद जैसा माहौल है, सारे जी दिया गया है। ये हम में किस तरह की खुशी है, ये हमारा बोलते हैं ना उर हब्बा, वैसे गाँव की ईद वैसे हुआ है इंशाल्लाह। और साल भी इसी तरह से और ज़ोर से, 4-5 दिन का प्रोग्राम था, नातखानी भी थी कल, इंशाल्लाह होगा। और किस तरह के हालात हैं चन्नपटना के? चन्नपटना में अमन है, अच्छा है, औलिया अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, इधर सारे आशिक हैं औलिया के, मौलाई हैं, आशुर खाना भी है इधर, आशुर खाना है बड़ा इमाम। किस तरह की तरक्याती का काम होगा इस दरगाह को लेकर, और मस्जिद का काम भी चल रहा है? हाँ, जामिया मस्जिद का काम चल रहा है, अभी वो ख़त्म होते ही फौरन दरबार का काम भी शुरू करने वाले हैं। किस तरह से इमारत तैयार की जाएगी? अभी तक तो वो आइडिया नहीं है, प्लान नहीं किया, इंशाल्लाह बहुत उमदा तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह इस कोरोना को कम करे और हम मुसलमान को इकट हो गए चल तरक्की दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिजर अहमद है, ये एरिया के रहने वाले हैं हम, हमें देख रहे हैं, हमारे बचपन से देख रहे हैं, बहुत करामत है इधर। आरिफ शाह बाबा बोले तो बहुत अच्छे वली अल्लाह है, ये कुछ भी मांगो मिलता है इधर, कोई भी गलीज आदमी ये आदमी आएगा तो इधर आके वो गेट पर सांप खड़ जाता, सांप लपेट जाता है, छिए तो उसको और अंदर आने देता नहीं, इतनी करामत है इनकी, उतनी है। एक बच्चा पैदा हुआ था इधर, उसको दुम आ गई थी, पीछे दुम लग गई थी, मैं इधर लेके आए वो बच्चे को, लेके आने में वो बच्चे को क्या हुआ, आके उधर मानत किए, वो दुम चले गई। और कुछ भी बच्चे नहीं हुए तो इधर आते हैं, शादी नहीं होने वाला रहा तो इधर आते हैं, मानत पूरी मुराद होती है, और किसको भी बच्चा नहीं है वो आके मानत में वो मिलता है। अच्छा है इधर, इधर का दरगाह का बहुत अच्छे वली अल्लाह है यहाँ, और इनकी बहुत करामत है, बहुत अच्छे वली अल्लाह है। मानते हैं कि इनकी दुआओं से चन्नपटना आज आबाद हो रहा है? आबाद बेशक, बहुत आबाद हो रहा है। अब वही कोविड होने से वजह से इसलिए लोग स्टॉप कर दिया, मैं बाहर से आदमियाँ वो सब दल है तो बहुत लोग आते हैं इधर, हज़ारों की तादाद में आता है, इसलिए अपना हाँ सब मास्क में डाल के हवाली भी लाइट से रखे हैं, नहीं तो बहुत हज़ारों की तादाद में रहता है आदमी इधर। एक ईद है सर, गांव की ईद, घर घर में खुशियां मनाई जाती है, पूरी गली में लाइटिंग सवर जाती है, और इधर दशरथ से ईद शुरू हो जाता है, पूरे बाहर किधर से आके रहना घर पे, गांवों से मैसूर बेंगलोर बहुत लोग आते हैं, केरला से आता है इधर, तमिलनाडु केरला सब आता है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब आता है, पूरा उनका ये होता है। खिजर अहमद बताइए। रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मेरा नाम सैयद मुहिनुल्लाह सखाफ, ये उर्स का को 130वां उर्स है वहाँ का, सैयद आरिफ शाह कादरी का, और ये पूरे कमेटी वाले मिलको सब पूरे मिलको करते हैं। सो अब इंशाल्लाह दरगाह का काम स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, और कोविड रहने के वास्ते 200 से 300 कम तादाद से चलने को है संदल, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट साल और ज़्यादा होता तो कैसा है संदल की वजह से, क्या एक ईद जैसा लग रहा है? हाँ, खुशी है, हाँ ईद ईद ही, लेकिन लास्ट ईयर सभी था ना, कोविड नहीं था, सब अच्छा हुआ, ये ईयर कोविड के वास्ते कम आदमियाँ को कम आदमियाँ ये है। कितने दिन तक चलता है संदल? ये फाइव डेज तक चलता, फाइव डेज इसमें संदल दो संदल रहते हैं, एक नाथखानी एक खवाली रहती है। आज खवाली यहाँ पर मौजूद है, कहाँ से आए हैं? वो हिंदुस्तान के मशहूर खवाल चांद खादरी और अजीम नाजा, एक दिल्ली से ही और एक मुंबई से ही, दो जो देने हैं। तो ये पूरा आपकी जेरे निगरानी? हाँ हाँ, तो बुजुर्गों का करम जी।
और क्या डेवलपमेंट्स होंगे आने वाले दिनों में इस दरगाह को, किस तरह डेवलप करेंगे और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा आने वाले दिनों में? इंशाल्लाह दरबार नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने का है। अब फिलहाल मस्जिद का काम चलने को है, जो चनपटना की जामिया मस्जिद स्टार्ट हो रखा है, इंशाल्लाह उसके बाद दरगाह का काम स्टार्ट होता है। माहौल कैसा है चनपटना? अब कोविड की वजह से पूरा कमीज क्या भी वैसा है नहीं, संदल भी 300-400 आदमी छी, ज़्यादा आदमी नहीं। नेक्स्ट साल से होना है इस मतलब? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट साल जोर होता है इंशाल्लाह।